Good choice. Hello. Welcome, my boy. Great to meet you. Welcome. Take it. Thanks. Excuse me, sir. Are you Mr. Billa Boss? Yes. Sir, I am Arun Das. Nice to meet you, sir. Hi. Sir, मैंने आपके सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं सर. आप मुंबई सिटी में बहुत ही मशहूर हैं. आपके साथ एक सेल्फी ले लूँ सर? Sure. Thank you, sir. Have a good day, sir. You too. Thank you, sir. इतनी कम उम्र में आप इतने मशहूर हो गए हैं. Congrats. गर्व की बात है. Last year India में highest individual taxpayer मेरी डैडी ही थे. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम भी है. क्या बात है अंकल. मैंने आपके रिकॉर्ड्स देखे थे. थोड़ा डिफरेंट है वो. 32 encounters, 4 suspensions, 11 transfers, contempt of court, और सबसे खास बात पिताजी नहीं है और माँ अलग रह रही हैं. डैड, डैड. मेरी बेटी मैथिली है ना, दिल्ली में पली बड़ी है. मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया. तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रह नहीं पाई इसलिए वो अलग हो गई. तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे रह पाएगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है. बहुत सारे सवाल हैं. मैं तुमसे वो सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि मेरे सवालों से कहीं तुम्हें दुख तो नहीं पहुँचेगा. सो कमिंग टू द पॉइंट, और मैं ये जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरी इस बात से सहमत नहीं होगी. तुम पुलिस की ये नौकरी छोड़ दो प्लीज. एनकाउंटर, बंदूक, ये सब चीज़ें छोड़कर मैं जो बता रहा हूँ उस एग्जाम में बैठ जाओ. पास करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने मैथिली को पीएम के ऑफिस में बैठाया, वैसे तुम्हें प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठा सकता हूँ. इतना तो होल्ड रखता हूँ. काफ़ी लंबा अनुभव है मुझे, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ. अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है. अनुभवी लोगों की बातें चाकू की धार की तरह तेज और ताकतवर होती है. अपने आप को फोन लगा. हमारे लोगों को छोड़ने को बोल अभी. क्या बे, तुम जल्दी करो. वो फोन करने के लिए मैं गला काट दूंगा अभी. क्या बे, प्लीज उसे छोड़ दो. तू बैठ जा. अरे देख क्या रहे हो, कुछ करो. काट दूंगा मैं इसे, काट दूंगा गला इसका. प्लीज बॉस. आपने जो कहा वो मैंने सोचा. मैं पुलिस की नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूँ. आप जो कहेंगे वही एग्जाम भी दूंगा, तो जाहिर सी बात है राजा की जिंदगी जीऊंगा. इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरी बेटी को बचाओ. ए, चलाकी मत दिखाना. तुम कुछ करो. मैंने तो ये बुके ले लिया, अब चाकू से कैसे बचाना वो आप सोचिए. यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? देख तू जानता है मेरे को, जल्दी से कॉल कर नहीं तो इसका नस काट कर इसे मार कर तेरे सामने फेंकूंगा मैं इसे. मुंबई में और कोई लड़की नहीं है क्या? या फिर कोई मुझे नहीं मिलेगी? बॉस, रहने दीजिए डैडी, इसे जाने दीजिए. गुड लक. बॉस, बेटी. Cry, baby. This is not a perfect match. I didn't expect this from him. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. पूरी तरह से गलत है. ऐसा नहीं करना चाहिए था. कोई तरीका नहीं. Wait, wait, please wait. Mr. Shivam, मेरी बात सुनिए please. इसीलिए हम यहाँ आए ना. Please wait. Wait. What, Mr. Bose? आपने क्या सोचा था कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? ऐसा नहीं है मैडम. उस आदमी पर 12 मर्डर केस थे. You are suspended. मेरी माँ, मेरा प्यार, मेरी नौकरी, इन सब को मुझसे दूर हुए 5 साल हो गए. मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया तो भगवान सोते रहेंगे क्या? लोगों की रक्षा करना उनका काम है ना.
वैसे ही मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, ऐसा बाहर पता होने के बाद भी मेरी गन मेरे बड़े अधिकारियों के आदेश का इंतजार करती है। हेलो, हाय मिस्टर बोस, कैसे हो? फाइन सर। दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर आपके बारे में पूछ रहे थे। क्या बात है सर? रामेश्वरम आइलैंड में एक रेप केस हुआ था, आजाद नाम के एक बिहारी लड़के को अरेस्ट किया गया था। पूछताछ करने पे पता चला कि वो एक माओइस्ट है, तो ये जानकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक हो गया कि आखिर वो है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ और कौन कौन है, उसका आगे का प्लान क्या है। तो क्या आप वापस ड्यूटी ज्वाइन करके अपने हिसाब से उससे पूछताछ करना चाहोगे? मिनिस्टर भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है बोस? मैंने वापस शिकार करना शुरू कर दिया। जिंदगी में जो भी घटना सामने आती है उससे कोई ना कोई सबक जरूर मिलता है, मगर ये केस मुझे सबक सिखाएगा ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। रामेश्वर में हंगामा मचाने वाली खबर, एक स्कूल की बच्ची मंजुल नायक का रेप करके मर्डर करने वाले केस में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए आजाद से पुलिस ने एक बड़ी पूछताछ की है। इसे पता चला है कि वो बिहार के माओवादी ग्रुप का है। इससे पुलिस को शॉक लगा है। पुलिस ने उसे 3 दिनों तक और अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ आगे बढ़ाने के लिए अपने बड़े अधिकारियों से निवेदन किया है। आशा है कि कुछ और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। हम अभी रामेश्वर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। मंजुल नायक की हत्या करने वाले मुजरिम आजाद को पुलिस इस वक्त बाहर ला रही है। यहाँ पर महिला मंडल और दूसरे संगठनों की महिलाओं की भीड़ लगी हुई है और उनकी डिमांड है कि इस रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम उमेश नायक है। पालन पोषण इसी रामेश्वरम में ही हुआ है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे पिताजी मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। जब मैं 8वीं में था हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। जमीन जायदाद कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी की नाई की एक दुकान थी, उसी से अभी तक गुजारा कर रहा हूं। बहुत से लोग मेरी दुकान में आकर कटिंग शेविंग करवा के जाते हैं। मैं ये सारा काम बहुत मन लगा के करता हूं। मेरे रिश्तेदारों ने लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं भी मरना चाहता था, लेकिन मेरी प्यारी सी बच्ची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी उसकी, मुंह खोलकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसी के लिए जी रहा हूं। मंजुल नायक, मंजुल नायक, मेरी बेटी सुंदर भी थी और प्यारी भी थी। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ थी। कई पापियों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूटकर उसे ब्रिज के ऊपर से समंदर में फेंक दिया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी ये सब सह नहीं कर पा रहा हूँ। Ha 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 ha